इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के अनूपनगर में शनिवार रात को एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल पति का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और पति पत्नी का विवाद शनिवार रात को इस हद तक जाग पहुंचा कि पति ने पहले अपनी 2 वर्षीय मासूम बेटी की जान लेने की कोशिश की, इसके बाद खुद सुसाइड करने की धमकी देता रहा। हालांकि वक्त रहते MIG पुलिस के पास कुछ लोगों और पत्नी ने सूचना दे दी, जिसके बाद काफी देर तक बेटी को गोद में लिए अपने हाथों में चाकू और मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू रख यशु जैन पुलिस और पत्नी को अपने हाथ की नसें काटने की, जान से मारने की धमकी देता रहा। किसी भी हाल में तो आत्महत्या कर लूंगा, मेरी लाश के ऊपर से निकल के ये चक्कू अंदर घुसेगा, लड़ लेना तुम्हारे कहने नहीं लड़ना कोर्ट में, कोर्ट से हमारे को कोई नहीं लड़ना, हम हमारे पे लड़ेंगे बच्चों नहीं लड़के। हाँ भाई साहब आइए, वेलकम। चलो अच्छी बात है, बाकी ये मेरा घर है, बेटी से क्या होने, बेटी से कुछ भी बहुत गलत असर जा रहा है आप पे। आपको आपको पता नहीं है उसकी माँ ने क्या क्या किया है, अगर आप सबूत बनना चाहते हो तो सही सच्चा सबूत बनो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बनाने वीडियो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा नहीं, तुम्हारे दबाव से होना होगा, है ना, जो हमारे दबाव से होना होगा, जो आके दबाव बनाता हूँ हर चीज में, आरोपी को पकड़ाया ना मैंने, तो उसकी सहायता करी नहीं करी, हमारे साथ गया नहीं गया, सुन ले नहीं, क्यों क्यों बैठ के बात कर रहा था, नीरन नीरन रुक जा, मैं दबा लूंगा इसको, इसके लिए मैं रहने दो, है ना, मेरी बच्ची तो बीवी से बैठ के बात कर, अरे बीवी से तुम्हारा नाम से, तुम्हारा नाम से काट लूंगा, क्या नाम है, जान दो उसको, राम शाक्य, राम राम शाक्य ठीक है, राम शाक्य अकेला रहने दो, अकेला रहना चाहता है, नहीं मेरी बच्ची चाहिए मेरे को, नहीं नहीं दोगे तो आज ही यहीं पे, यहीं पे या तो कम जाऊंगा या तो काट लूंगा, बच्ची का लालन पोषण कौन करेगा, अब मैं करूंगा, तुम्हें सच्चा हूँ तो बैठ के बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, बैठ के बात करा, सुनो इधर आ जाओ, आप इधर आओ, देखो समझौता करो आराम से, क्या मतलब है, हाँ घर घर का मामला, क्या समस्या तुमको, सर पहले मैं FIR करी हुई रात को 2 बजे, हाँ। पूरा मेरा वो भी हुआ, तो मेडिकल करा लो, अगर इसको मेरा हाथ भी लगाया हो और उसके बाद मेरा मेडिकल करा लो, हाँ। मैं वो डंडे से मारा है इस लड़की ने, डंडे से मारा है, हमें शाक्य मैं देख लूंगा, कोई बात कोई बात, आ जाओ लो ना, आगे बढ़ो मारो, यही करते हो ना पुलिस वाले, ले आके दो, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुमसे कुछ पूछा गया अभी तो, हम क्या कर रहे हैं, वहां जाके पुलिस क्या करेगी, फोन छीन लेगी, लड़की की धारा लगाएगी 506 323 हमारे को बताएगी, हमारे को मानव अधिकार है नहीं ना, लड़के तो इंजर्ड है, तो बात करने को तैयार ना, वो तो लड़के लड़कों को छुड़िया बना दो ना, हमारा कानून ये बोलता है, हिंदुस्तान का और संविधान ये बोलता है, तो छुड़िया बना दो लड़कों को, पिटेंगे सारे घर में, डंडे से मार रही थी मेरे को, कराओ मेरा मेडिकल, चल के मेडिकल का, चले भी मेरा मेडिकल नहीं कराया, मेडिकल कराया, चले भी मेडिकल नहीं कराया मेरा, वो मारे तो उसकी मार खाऊं मैं, तो आ तो यहाँ मेडिकल कराते ना, नहीं आना नहीं आना, लॉर का क्या मतलब, तुम लॉर को चलना है, अभी रुक जाओ, अभी बात करने का,